हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। आज मैं कंपनी के पासबुक के बारे में डिस्कस करूँगा कि कंपनी में अगर काम कर रहे हो तो उसमें एक कंपनी का पासबुक बना कर रखो। जैसे बैंक में एक पासबुक होता है, वैसे एक डिजिटली फॉर्म रेडी कर लो पासबुक का। तो बहुत ही आसान है बनाना, तो इसको आप सेलेक्ट कर लो। एरिया को सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाओ, यहाँ पे मर्ज एंटर कर लो, यहाँ लिख दो कंपनी पासबुक, ठीक है, यहाँ लिख दिया कंपनी पासबुक। इसके बाद यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके इसको ऊपर कर लो और इसको सेट कर लो ढंग से थोड़ा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे चले जाओ, यहाँ पे हमें कुछ काम करना है। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर अपने बस समझने के लिए, और इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं डेट, यानी कि पार्टिकुलर जिसे होता है पार्टिकुलर। इसके बाद यहाँ लिख देते हैं हम डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट EMD, और यहाँ लिखते हैं हम विदड्रॉल अमाउंट, विदड्रॉल अमाउंट। इसके बाद लिखते हैं हम यहाँ पे बैलेंस। इस चीज़ को हमें सेट करना होगा, सेलेक्ट कर लो इस चीज़ को। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा है, फॉर्मेट पर जाओ, यहाँ लिखा है कॉलम वीड, कॉलम वीड पे क्लिक करो तो यहाँ पे साइज मिलेगा, आप जो साइज एक्चुअल में होना चाहिए आप लगा देना। इसके बाद ये देखो पर्टिकुलर कॉलम थोड़ा बड़ा होना चाहिए तो आपने इसको बड़ा कर लिया। ओके, इसको सेलेक्ट करो थोड़ा सा, मैं इसको दिखा दूँ। थोड़ा सेलेक्ट करके मैं व्यू पे गया और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट टू जूम, बड़ा करने के लिए। इसके बाद इस एरिया को सेलेक्ट कर लो कि पासबुक बना रहे थोड़ा ढंग का होना चाहिए। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाओ और एक काम कर लो, इस एरिया को सेलेक्ट कर लो जितने एरिया में आपको काम करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेल स्टाइल दिखा है, आप इसमें से एक अप्लाई कर दो। इसके बाद ये सीरियल नंबर पे इसको थोड़ा सेट कर लो ढंग से, इसको आप मिडल कर लो। मिडल करने के बाद बोल्ड कर लो, बोल्ड करने के बाद और भी कुछ करना हो तो आप एडिटिंग कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे सीरियल नंबर की, तो हम सीरियल नंबर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख दिया 1, 2, 3 जो भी बनाना हो अपनी सहूलियत के लिए, समझने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं डेट की। मान लो कंपनी की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने कर दिया ओपन अकाउंट, जब आपने किया यानी कंपनी जो ओपन किया तो उस टाइम आपने कितना अमाउंट रखा, ठीक है, इसमें पूरा पूरा हिसाब रख सकते हो। और उस टाइम ओपन यहाँ डेट की बात हो रही ना, तो हमने यहाँ पर डेट रखते हैं, डेट रख दिया हमने, यहाँ लिखते हैं हम ओपन अकाउंट। और यहाँ पर लिख सकते हैं अमाउंट, उस टाइम जब आपने अकाउंट ओपन किया, अपने अकाउंट में आपने 1,00,000 रुपये डाल दिया, ठीक है। तो एक चीज़ ख्याल रखना है, ये बैलेंस में शो करना चाहिए। आप पार्टिकुलर भी शो कराओगे और टोटल भी शो करा के देखना, ठीक है, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो आपको करना क्या है, डिपॉजिट पे क्लिक करना, माइनस विथड्रॉल एंटर करो। इसके बाद ये जो ऑप्शन है ना, इसको पूरा पूरा सेलेक्ट करके ड्रैग कर देना। इसके बाद इसका स्पेलिंग सही कर लेंगे, डिपॉजिट होता है। यहाँ पे हम नेक्स्ट डेट देंगे, हमने डेट दे दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे किसी बंदे ने किसी को माल बेचा आपने और वो पैसा आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो जिस बैंक से आएगा, जैसे मान लीजिए विजया बैंक से आया, ठीक है, विजया बैंक, और कितना आया, मान लो 50,000 आ गया, ये आ गया हमारे पास 50,000। तो यहाँ पे हमें दिखना चाहिए, ठीक है ना। और भी हमारे पास डेट होंगे, डेट हमने ऐड किया, कोई पेटीएम से ट्रांसफ़र कर दिया, ओके, देख समझना है इसको, पेटीएम से किसी बंदे ने 20,000 ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये चीज़ में जुड़ना चाहिए ना। और किसी बंदे ने उसी डेट को गूगल पे से डाल दिया, गूगल पे से, ये भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने का एक मीडियम है। गूगल मीडियम से किसी बंदे ने 15,000 रुपये पे कर दिया, वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। एक और चीज़ ख्याल रखना, यहाँ पर कर दो टोटल, आप दिखाना चाहते हो क्योंकि कंपनी पासबुक की बात हो रही है, कि काम करना है, इसको सेलेक्ट कर लो इस एरिया को। सेलेक्ट करने के बाद मैंने तो सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेल स्टाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे लगा दो चेक सेल, ये टोटल के लिए। अब यहाँ पे क्या करना, इजिकल टू लिखो सम ब्रैकेट और पहला एड्रेस और आखिरी वाला एड्रेस, आप सॉरी यहाँ पे कॉलन नहीं होता है, सेमी कॉलन, सॉरी यहाँ पे कॉलन होता है डायरेक्टली, और आखिरी एड्रेस देंगे
जी सेलेक्ट करिएगा, इंटर करिएगा। अब आपको दिख जाएगा टोटल यहाँ पे अमाउंट है 35,000। एक्चुअली एक अमाउंट छूट चुका, तो हम यहाँ पे एड्रेस सेट कर लेंगे जी, ये G8 नहीं है, G7 है ऊपर, यहाँ दिख रहा है आपको ये वाला, ये 7 में है, तो हम यहाँ पे 7 कर लेते हैं। और इससे ऊपर भी होगा, हो सकता है 6 में, सॉरी यहाँ 6 तक है, एंटर करेंगे, इसको हम थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, तब सुन में कैसे जैसे नॉर्मली हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो F2 मैंने प्रेस किया, फॉर्मूले को देखने के लिए हम F2 प्रेस करते हैं, और लिखो देखो सम लिखा है हमने G6, मतलब क्या इसका एड्रेस और इसका एड्रेस G6, इसके बाद क्या है लास्ट वाला एड्रेस दे देंगे यहाँ सर G17 तक। एंटर करोगे आपको ये रिजल्ट मालूम चल जाएगा, यानी आप कितना पैसा जमा कर रहे हो, आपको पूरा पूरा उसका रिकॉर्ड दिखता रहेगा। आप देख सकते हो कि अभी आपने आपके पास अकाउंट में कितने 1,85,000। यदि आप पैसा निकालते हो, ठीक है, यहाँ पर एक तरीका कि हर एक अकाउंट वाइज देख सकते हो, या टोटल वाइज देखना चाहते हो वैसे भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे पैसा अगर निकालोगे अपने पर्पस के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, वैसे इसमें से पैसा डिडक्ट होगा, यानी पैसा घटेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या अगर मान लो अपने ज़रूरत पड़ गया, आपने 50,000 निकाल लिया, जैसे इंटरफेस करोगे देखो अमाउंट तुरंत इसमें कटेगा। अगर 1,00,000 रुपये आपने जैसे निकालेगा निकालेंगे आप, एंटर करो, तो ये अमाउंट कितना बचेगा आपके पास 85,000 बचा। अगर 50,000 इसमें से निकालना था निकाल दो, एंटर किया अपने यूज़ के लिए, तभी आपके पास स्टॉक में कितना बड़ा अमाउंट 35,000 रुपये है। तो इस तरीके से हम कंपनी का पासबुक बनाते हैं। ओके, यहाँ पर ये पूरा फॉर्मेट बन गया हमारे पास, सेलेक्ट करेंगे इस चीज़ को। तो कंपनी में जब भी यूज़ करिएगा तो एक मीडियम होगा हमारे पास, और किस बंदे को पेमेंट किया, किसको रिसीव किया, वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि एक हम डिजिटली रिकॉर्ड रखना चाहें तो रख सकते हैं। ओके, अगर आपको टैली के बारे में जानकारी नहीं है तो आप एक्सेल के माध्यम से बहुत ही आसान शब्दों में आप ऑफिस का काम भी सीख सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।